क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? इस मुद्दे पर पहली बार दिल्ली कांग्रेस में चर्चा हुई। हालांकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है, लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी पर छोड़ा गया है। कस करने था कि किस तरह का परिस्थिति में जा रही है हम लोग, तो उसके बारे में कुछ आइडियाज आए, कुछ लोगों ने अपनी राय दी, सब कुछ आइडिया बताया। और क्योंकि हम 20-21 जने थे, तकरीबन सारी कांग्रेसी, सारे हमारे एमएलए थे, हमारे कुछ एमपी जो रह चुके हैं वो भी थे, तो इट वाज अ गुड मीटिंग एंड वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस टू डिसाइड द फ्यूचर। अलायंस आल्सो वाज डिस्कस्ड एंड नोबडी सीम्स टू बी इन फेवर ऑफ इट। कांग्रेस की समस्या ये है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराना तो चाहती है, लेकिन उसको लगता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया तो कहीं उसका हाल यूपी और बिहार जैसा ना हो जाए। आम आदमी पार्टी गठबंधन को लालायत है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस गठबंधन को राजी नहीं, इसलिए अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। आप देखिए, निश्चित रहिए, कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, द लार्जेस्ट पार्टी इन दिल्ली एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। शीला दीक्षित गठबंधन पर सकारात्मक रूप इसलिए भी अख्तियार नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी का डर भी है। दो राजनीतिक दुश्मनों के बीच लोकसभा में शीला कांग्रेस की कैसे नया पार लगाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।